इस मॉनिटर के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे इलेक्ट्रॉन गन जबकि दूसरे एंड पे डिस्प्ले स्क्रीन होती है। जैसे नॉर्मल गन बुलेट फायर करती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ फायर करती हैं। इस कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट है जिसे मैं रीड करना चाहता हूं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं प्रिंटर के जरिए प्रिंट लेके इसको रीड कर लूं। ऐसी आउटपुट को हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम किसी डिस्प्ले स्क्रीन के जरिए इसको रीड कर लें। ऐसी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं और डिस्प्ले स्क्रीन को मॉनिटर भी बोलते हैं। मॉनिटर्स दो तरह के हो सकते हैं। कुछ मॉनिटर्स काफी भारी भरकम और थिक नजर आते हैं, जैसे कि ये सीआरटी मॉनिटर है, लेकिन मुमकिन है कि आपने सीआरटी मॉनिटर्स को इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर्स में इस तरह के स्लिम और स्मार्ट मॉनिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मॉनिटर्स को फ्लैट पैनल मॉनिटर्स कहते हैं। लेकिन आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इस सीआरटी मॉनिटर की वर्किंग को ही डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक लेजर है और ये है लेजर से बनने वाला एक लाइट डॉट। लेकिन अगर मैं इसको तेजी से मूव करूं तो ये डॉट हमें एक लाइन नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी हर जगह मौजूद है, लेकिन असल में ये एक फास्ट मूविंग डॉट ही है जिसे हमारा ब्रेन एक लाइन दिखा रहा है। बिल्कुल इसी तरह इस मॉनिटर पे बनने वाला इमेज आपको स्टैटिक नजर आ रहा है, लेकिन ये भी एक डॉट ही है जो इस स्क्रीन पर बहुत तेजी से लेफ्ट टू राइट मूव करता है और यूं इमेज इतनी तेजी से बनते हैं कि हमारा ब्रेन फास्ट मूविंग लाइट डॉट को एक स्टैटिक स्क्रीन की फॉर्म में दिखाता है। लेकिन ये डॉट कैसे प्रोड्यूस होता है और किस तरह ये इतनी तेजी से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव कर पाता है, इसके लिए हमें इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखना होगी। इस मॉनिटर के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे इलेक्ट्रॉन गन जबकि दूसरे एंड पे डिस्प्ले स्क्रीन होती है। जैसे नॉर्मल गन बुलेट फायर करती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ फायर करती हैं। इलेक्ट्रॉन गन में एक कैथोड होता है जो फिलामेंट से हीट होकर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल ग्रिड में से पास करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फोकसिंग एनोड में से पास करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक नैरो बीम बना देता है, और फिर एक्सेलरेटिंग एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज स्पीड से स्क्रीन की तरफ भेज देता है। ये स्क्रीन फॉस्फोर कोटेड होती है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे हिट करते हैं तो ये विजिबल लाइट एमिट करती है और यूं लाइट का एक डॉट स्क्रीन पे बन जाता है। अब दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इस डॉट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करती हैं और यूं मॉनिटर पर डिस्प्ले बनता है। लेकिन ये दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स इस ट्यूब के अंदर नहीं बल्कि बाहर लगी होती हैं। तो आपने देखा इस ट्यूब के अंदर डिस्प्ले बनाने के लिए कैथोड से इलेक्ट्रॉन रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए तो हम इसको कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी मॉनिटर कहते हैं।